हापुड़ के एक मार्केट में चिकन बिरयानी में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया। चिकन बिरयानी में छिपकली निकलते ही ग्राहकों के होश उड़ गए। बिरयानी खा रहे दोनों युवकों के थाने में तहरीर देकर छिपकली वाली बिरयानी बेच रहे दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना धौलाना स्थित मुल्ला जी की मशहूर दुकान बिरयानी की है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि छिपकली निकली है बिरयानी में और उसके बाद से हड़कंप मच गया। छिपकली बेच रहे लोगों ने बिरयानी बेच रहे लोगों की शिकायत जो है वहाँ पे की गई है। तो छिपकली मिली है बिरयानी में जिसके बाद से लोग दहशत में आ गए और कई सवाल जो है वो जो बिरयानी बेच रहे थे उनके ऊपर खड़ा किया है। ऐसे में साफ तौर पे दिखाई देता है कि साफ सफाई की व्यवस्था क्या है और ये साफ सफाई में कोताही बढ़ती हुई एक नजरिया जो है वो पेश किया जा रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि छिपकली मिली है। ये बिरयानी खाने के लिए एक शख्स पहुंचा था जिसके बाद से छिपकली मिली है बिरयानी में और शख्स ने इसकी कंप्लेन जो है वो करा दी है। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शक्ति ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये कब का मामला है, क्या कोई कार्रवाई देखने को मिली है? संपर्क नहीं हो पा रहा शक्ति, आपसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आपको। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि छिपकली मिली है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ सफाई की व्यवस्था क्या रही होगी और लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया था। इसकी कंप्लेन फिलहाल आपको बता दें कि कर दी गई है। तो यहाँ पे बिरयानी में छिपकली मिली है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। हापुड़ से ये मामला निकल के सामने आया है और बता दें कि छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया है। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। शक्ति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये बड़ा वाकया है कि खाने में छिपकली मिली है? आपको बता दें, ये पूरा मामला हापुड़ जनपद कस्बे का है जहाँ एक युवक अपने साथी के साथ में बिरयानी खाने के लिए जाता है और जब दोनों युवक आधा बिरयानी को खा लेते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि प्लेट में छिपकली मिलती है जो कि मरीज की होती है। जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और उसके बाद जो बिरयानी बेचने वाला है उससे कहां सुनने होती है। बताया जा रहा है बिरयानी खाने के बाद युवक को उल्टियां भी लगी थी, उसे हॉस्पिटलाइज भी कराया गया था। जब ये पूरा मामला मीडिया में आया है उसके बाद फूड विभाग हरकत में आया और फूड विभाग ने वहां मौके पर जाकर सैंपलिंग की है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छिपकली खाने में मिली है तो एक बड़ा वाक्य है कि कब तक कोई ठोस कार्रवाई इस बिरयानी बेचने वाले के खिलाफ की जाती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। तो क्या कोई कार्रवाई की गई है शक्ति? बिल्कुल स्वीटी, बता दें फिलहाल जो कार्रवाई की गई है, फूड विभाग के अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं और इस बिरयानी बेचने वाले का सैंपल लिया गया है और सैंपल आगे जांच बिल्कुल अब देखना होगा कार्रवाई की जा रही है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शक्ति।